बागुरुम्बा हाइलग पर बागुरुम्बा सानो आबला कुनो आबला थाबरम मुमना नई बामना नई लागो मनखा हाइलग पर लागो मनखा बागुरुम्बा हाइलग पर बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाइलग पर बागुरुम्बा सानो आबला भारत सरकार ने बोला था सबके लिए पक्का मकान बनाना है, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाया। मैंने बोला मैं असम से हूँ, तो बोलते हैं कि असम के लोग जंगली है, वहाँ के लोग उग्रवादी है, बहुत उग्रवादी है, हमें जैसा हमारा लुक बोरो लोग थोड़ा मैंने चाइनीज जैसा दिखता है। कोई कोई बोलता है आप लोग चाइनीज से उत्पादन करते हुए वो लोग हो। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द माउंटेन एकॉर्ड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर आया हूँ पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के बोडोलैंड एरिया के डोंगपोरा विलेज में। और मैं आज आया हूँ यहाँ पर लेवन बोरो जी के घर पे। और जैसे ही मैं यहाँ आया, उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से अपने इस आरोनय से मेरा स्वागत किया है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बोडो आदिवासियों के रहन सहन, जीवन, संघर्ष, संस्कृति के बारे में आपको बताने आया हूं। आज के इस वीडियो में आप पूरी तरह से जानोगे कि किस तरह के समस्याओं, पब्लिक और सोशल इश्यूज से वो आज के समय में गुजर रहे हैं, जिनमें जातिवाद है, नस्ल भेद है, और इसके अलावा सरकार की तरफ से इनको इनके ऊपर कितनी निगरानी की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ लेवन बोरो जी है, जिनके घर पे मैं रुका हूं अभी। तो इनसे हम इस जगह के बारे में जानेंगे और बोरो ट्राइब्स क्या है उनके बारे में जानेंगे। तो दादा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप बताओगे मुझे इस जगह के बारे में और बोडो क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त में मेरे व्यूवर्स भी आपको देखे और समझे कि हम क्या बोलने जा रहे हैं इस पूरे वीडियो में। आज देखिए, हम असम राज्य का बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का बक्सर डिस्ट्रिक्ट अंदर का डोंगपोरा गांव है हमारा। ये गांव का नाम डोंगपोरा है और हम लोग सबसे बड़ा ट्राइब्स है और हम लोग हजारों साल पहले से यहाँ में रह रहे हैं और हम लोग इंडिजिनस पीपल है। बोरोफोरा हारिमुजों बुंफबनाय मोनसे हारिसा बुंनाय जायोदि सेसेबांबा बोसोर सिगाङाव सिन हादोरनि यांसिकियां आरो हुआंह' दैमानि सेराव बोरोफोरा रायजो जाफैदोंमोन। बिनि बेसेबांबा उननि बोसोराव बोरोफोरा आसामनि बुरलुं बुथुर दैमा सेराव रायजो जाफैयो। बुंनाय जायोदि बर' रावा सिन तिब्बत राव फोलेरनि। आपको हिंदी आती है क्या? थोड़ी थोड़ी आती है। जो आपने पहन रखा है इसके बारे में बताएंगे? बहुत सुंदर लग रहा है, साड़ी सा है, पर क्या है ये? इसको हम, ये जो मैंने पहना है येलो, ये लांगा बोलते हैं इसको, लांगा दखना, और इसको आरोनाई बोलते हैं। तो टोटल पूरा इसको क्या बोलते हैं? दखना, इसको लांगा दखना बोलते हैं। लांगा दखना। और ये कहाँ बनता है? ये हाथ से बनाया है आप लोगों ने, बनाया कैसे होता है? हाँ, इसे कुछ लोग हाथ से ही बनाते हैं, मतलब गाँव में भी बनाते हैं और कभी कभी मशीन में भी बनाते हैं। ये मशीन वाला है? हाँ, मशीन वाला है। अच्छा, तो इसमें कुछ डिजाइन का कुछ मतलब भी होता है क्या, जो इस तरह के डिजाइन है इसमें ये? हाँ, इसका जो डिजाइन है इसको हाजे आगोर बोलते हैं। हाजे मतलब ये पहाड़ है, पहाड़ का फूल ऐसा बोलते हैं इसको। और आपके पास क्या क्या चीज है यहाँ पे? हम लोग का जो लकड़ी का खाना बनाता है वो उसमें बनाता है और गैस का उधर बनाता है, हम लोग का रहने का घर उसी में है। तो ये लकड़ी का लकड़ी में खाना कब पकाते हो आप? लकड़ी से रोज बनाता है हम लोग खाना। तो गैस में कब होता? गैस में कभी थोड़ा मुश्किल होता है, तो अचानक कोई मेहमान कोई आएगा तो इसमें थोड़ा साई कुछ बनाता है ऐसे। ये लकड़ी का चूल्हा है, इसमें हम लोग लकड़ी से खाना बनाता है। ये लकड़ी का किचन है, ये पानी फिल्टर है। ये कैसे फिल्टर हो रहा है? ये इसमें बाली है। अरे वाह, बाली देके हम लोग सैंड से फिल्टर हो रहा है। आयरन वाला जो पानी है इसको इसमें डालते हैं। ये है एंशिएंट साइंस। हाँ, ये बहुत बढ़िया। आप लोग पानी लाते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं और वो अपने आप इसके ऊपर एब्जॉर्ब होता है, वो जो भी कचरा होता है नीचे फिल्टर पानी निकल। बहुत ही बढ़िया, ऐसे खाते हैं। बहुत ही सुंदर। हमारा रूम जो रहने का, रात गुजरने का जो घर है, ये छोटा सा घर है, बेम्बू का है, ये सब बेम्बू का है।
दीवारें सब बेंबू से बनी है? हाँ, बेंबू से बना है। अच्छा, और इसमें हम लोग का जो हमारी इम्पोर्टेंट जो कपड़ा, ये जो फाइल वेल कागज पट्टी उसमें रखते हैं हम लोग। यह हमारा बाथू बोलते हैं हम लोग। हम लोग इसमें पूजा करते हैं, सुबह शाम उसमें हम लोग दिया जलते हैं और धूप जलते हैं। मतलब आप लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते? मूर्ति की पूजा नहीं करते हम लोग। ये कौन सा पेड़ है? ये हम लोग शीजू बोलते हैं। शीजू? शीजू। अच्छा, शीजू बोलते हैं। तो ये बाथू क्या है? पूजा पद्धति है शायद। हाँ, इसमें बाथू मतलब हमारा इसमें पास तत्व है। इसमें जो ये जो बेम्बू का जो ये होते है ना, हाँ हाँ, एक दो तीन चार पास। अच्छा, बा मतलब पास, बहुत। ये पांच तत्व कौन कौन से? जैसे हम लोग का ये जमीन है। अच्छा, जल और आकाश, धरती। हाँ, और जो सांस होता है। अच्छा अच्छा, वायु। वायु। हाँ। अच्छा, उन पांच तत्व को ये बता रहा है। हम लोग बाथू बोलता है। ये तो बिल्कुल बाथू मतलब पांच तत्व है। ये बिल्कुल सनातन धर्म से ही मिलता जुलता है सब कुछ। मैं यहाँ आसपास लोगों के घर देख रहा था, बहुत सारे लोगों के सिर्फ बेम्बू से बने घर। बेम्बू से, पहले तो बेम्बू से था। हाँ हाँ, अभी थोड़ा तो सर्दियों में ठंड नहीं लगती है? कैसा होता है यहाँ पे ये बेम्बू? ठंडी का, ठंडा का मौसम में ठंडा होता है, बेम्बू का घर में तो ज्यादा ठंडा लगता है। तो फिर सरवाइव कर लेते आप लोग? ऐसे गुजरता है, क्या करेगा। पक्के मकान क्यों नहीं बनाए यहाँ पे लोग? पक्के मकान बनाते है, लेकिन बनाने तो बनाने सकने पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, वो पैसा पैसा आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि के इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है। अच्छा, इसीलिए अच्छा, अच्छा, हम लोग बना नहीं पाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, इन लोग के पास इनकम का क्या सोर्स है? इनकम तो खेती का ऊपर है, जो खेती थोड़ा मिलते है, धान मिल, जो धान थोड़ा मिलते है, इसको साल के लिए धान खेत करते है। अच्छा, सिर्फ धान है? धान है, और दूसरा थोड़ा सब्जी भी बनाता है। ओके, तो यहाँ पे इनकम का रिसोर्स सिर्फ खेती, खेती। सुअर भी पालते हैं। अभी सुअर जो फार्म है इसमें जा रहा है। चलो दादा देखिए, आइए थोड़ा देखिए। हम लोग सुअर भी पालते हैं। इसकी ये तालाब है, इसमें थोड़ा कुछ मछली है। तो ये मछली क्या आप अपने खाने के लिए? अपने खाने के लिए। अच्छा, आपका अपना तालाब है? अपना, मेरा तालाब है। और इसमें मछलियाँ आप अपने खाने के लिए? खाने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये सुअर, सुअर किस लिए? थोड़ा बिजनेस लाइन में थोड़ा ये किया है। अच्छा अच्छा, फार्म बनाया है, अभी सुअर है। और कौन कौन से जानवर है आपके पास? हमारा सिर्फ सुअर है अभी। अच्छा, और मुर्गियां भी तो है? मुर्गी दो, खाने के लिए थोड़ा मुर्गी पलते हैं हम लोग। ये है हमारा बोरो, जो लंगा डोखना बनाने वाला जो हैंडलूम है। अच्छा, ये है पूरा वो हैंडलूम है सेटअप यहाँ पे इसका। हाँ। ये क्या बना रहे हो आप? पाटली मामी क्लासादर चोरा चादर। कितने दिन में तैयार होता है ये? सप्ताह मन से जो रंग खड़ा रहे। क्या हो रहा है? एक हफ्ते में तैयार हो जाता है ये आपका? दो हफ्ते में तैयार होता है। ये क्या है? चादर, मेखला चादर। मेखला चादर कहाँ यूज होता है ये? साड़ी टाइप है ये तो कुछ? अच्छा, और जो आप दोखना बनाते हो कितने दिन में तैयार होता है वो? पाँच दिन में। ठीक है। तो आप ये बेचते भी हो कि कोई आदमी आपके पास आ रहा है बनवाने के लिए ऑर्डर देते हैं, या फिर आप यहाँ बनाने के बाद दुकान में भी बेचते हो? मालिक ये क्या बना रहे हो? तामुल। किसके लिए? पान। हाँ हाँ, कौन खाएगा ये? आम। आप पान भी खाते हो?
सादे कोई नी बारी फातनी बारी थाई जो कांतल सारी सारी कसीब बोरो हारी हाइलग पुर कसीब बोरो। जैसे आपके गांव की बात करें तो कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, सरकारी जॉब या प्राइवेट भी जॉब है? जब तो हमारा इधर हमारा गांव में हमारा गांव का जो सुपा है, सुपा बोलते हैं जो हैबिटेशन, अच्छा ये हैबिटेशन में 6-7 आदमी जॉब करते हैं। और टोटल गांव में कितने लोग हैं? 300 फैमिली मेंबर्स है। तो इतने लोग, इतने लोगों के बीच में सिर्फ 6-7 ही लोग जॉब करते हैं? 6-7 ही लोग जॉब करते हैं और बाकी सब लोग कृषि पे निर्भर है। कृषि पे निर्भर है और पशुपालन भी होगा? पशुपालन थोड़ा थोड़ी है, इतना नहीं है। अच्छा, कोई 2-3 तो गाय। आर्थिक दृष्टि से अभी भी काफी कमजोर है? कमजोर है, बहुत कमजोर है। और शिक्षा के स्तर में क्या है हालत? शिक्षा का स्तर में तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं सकते, वहाँ फिर आर्थिक आर्थिक इकोनॉमिकली प्रॉब्लम के लिए हमारे स्टूडेंट लोग आगे बढ़ नहीं सकते। और हॉस्पिटल्स की अगर बात की, हॉस्पिटल के बारे में हम लोग का थोड़ा नजदीक में हॉस्पिटल है। मान लो किसी को रात को अचानक कुछ हो गया और आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस मिल जाती है आपको? मिल जाती है, ये सब थोड़ा मिलते हैं। अभी हॉस्पिटल के बारे में इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अचानक सब लोग स्वास्थ्य की दृष्टि में ठीक है? ठीक है। ये जो हमारा बाटू धर्म है, ये बोरो भाषा में हम लोग बाटू थानसाली बोलते है, बोरो भाषा में बाटू थानसाली बोलते है। और जो शिजू का जो निशान दिखाने के लिए ऊपर में लोहे का जो सीजू, जो पौधे का सीजू पौधे का ऊपर में लोहे का बना के उसमें रखा हुआ है। ये पौधा कोई भगवान का रूप है, क्या माना जाता है इसको? इसमें पास जो सीरी होते हैं, जो हमारा धर्म का तत्व पास है, वो सीजू में भी पास सीरी होते हैं। ये जो पौधे सीजू का, इसको हम हमारे बाठो थानसली में रुपाई करके उसी में दिया धूप जला के फूल और प्रसाद देके हम लोग पूजा करते हैं। आपके जितने भी मंदिर है बाठो प्रथा से जहाँ पे भी पूजा होती है, तो यहाँ पर कोई जात पात छुआछूत होती है क्या आपके मंदिरों में भी? होती है, मतलब कैसे होती है? छुआछूत हमारा बाठो धर्म का आदमी हमारा बाठो मंदिर का अंदर जा सकता है। अच्छा, बाठो मंत्री मतलब हम लोग बाठो थानसाली बोलते हैं। हाँ, फिर कौन लोग नहीं जा सकते इसके अंदर? इसमें ईसाई मुस्लिम वो लोग जा नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरे धर्म के लोगों को आप लोग नहीं छोड़? देख नहीं सकते हैं लेकिन अंदर जा नहीं सकते हैं। ओके, और जो हिंदू धर्म के लोग हैं? हिंदू धर्म के लोग जा सकते हैं। और जो बोडो में ही ये जो ब्रह्मो से जो विधि से पूजा करते हैं वो लोग? वो लोग तो ब्रह्म धर्म का आदमी आएगा भी नहीं घुसेंगे भी। ऐसा है क्या? ऐसा है, आपस में ज्यादा बनती नहीं है? ज्यादा वो लोग भी तो हम लोग को तकलीफ नहीं देता है और हम लोग भी इन लोगों को तकलीफ नहीं देता है। और ब्रह्म और बाठो के बीच में आपस में शादियां होती है? शादी होती है लेकिन ब्रह्म का लोगों को बाठो धर्म का आदमी अगर शादी करेगा, बाठो बना लेगा, बाठो धर्म का बना लेगा, और बाठो धर्म का लड़की अगर ब्रह्म धर्म शादी करेगा तो वो लोग ब्रह्म बना लेगा। तो ये ब्रह्म वाले क्या किस चीज की पूजा करते हैं आप लोग? तो ये का सीजू की पूजा कर रहे हैं? हाँ, हम लोग सीजू का पूजा कर रहे हैं, जो बाठो बोलते हैं पांच तत्व का, इसका पूजा कर रहे हैं हम लोग। और ब्रह्म वाले? ब्रह्म वाले का मैं इतना मालूम नहीं है उन लोगों का क्या है। अच्छा। हुम जलाते है वो लोग, इतना को मालूम है। हवन हुम जलाते है। हुम क्या है? हवन, हुम यज्ञ बल यज्ञ, यज्ञ। हाँ, यज्ञ। हाँ, जो अच्छा, होम हवन। हाँ, हवन यज्ञ करते हैं वो लोग। करते हैं वो लोग। ओके, ये तो बात रही बोडो कम्युनिटी की, संस्कृति की। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। बोडोलैंड बना था डेवलपमेंट के लिए, आपको क्या लगता है बोडोलैंड के बनने से लेकर अब तक कितना परिवर्तन है, आपको कितना विकास हुआ है आपके यहाँ पर, चाहे सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, स्वास्थ्य की हो, कृषि की हो, जॉब्स वगैरह में कितना परिवर्तन आया, लोगों की कितनी मांगे पूरी हो पाई है और सरकार से आपकी क्या क्या मांगे थी? 2020 फरवरी को बीटीसी शुक्ति हुआ। बीटीसी शुक्ति होने के बाद जितना हम लोग इंडिया गवर्नमेंट से पावर एंड फंक्शन मिला है, उसी से हम लोग काफी डेवलप किया है। फिर भी बहुत डेवलप करना हमारा हम लोगों का बहुत जरूरी है। जैसे हमारी सबसे ज़्यादा ही ज़्यादा
किसानों को देखभाल करना बहुत जरूरी है। सरकार ने किसान का जो खेत के लिए पानी की जरूरी है, पानी खेत का मैदान में पानी की कमी है। बीटीसी काउंसिल के बाद मिलने के बाद भी वोटो कमेटी जितना आशा किया था उतना डेवलप नहीं हुआ है। आज भी हमारे बोडो इलाका में बिजली हो या पानी हो या शिक्षा की जो व्यवस्था हो इतना डेवलप नहीं है। आज भी बीटीसी इलाका में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी अच्छी तरह की इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। भारत सरकार ने बोला था सबके लिए पक्का मकान बनाना है, लेकिन वो आज तक हो नहीं पाया। इसके बाद ऐसे ही हमारी बीटीसी में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में भारत सरकार का साथ जो चुक्ति हुआ था, वो चुक्ति का आधार पर जितना जो मिलना चाहिए इतना मिला नहीं, और बहुत गांव का रास्ता बनाना है, गरीब लोगों का मकान बनाना है, ऐसे नोडिया का जो एम्बैंकमेंट बनाना है और खेत का मैदान में पानी व्यवस्था करना है और गांव में स्वास्थ्य का व्यवस्था करना है, स्कूल का। आज भी बोडो कम्युनिटी बहुत सरकार की तरफ से आशा कर रहा है कि एक अच्छा कॉलेज, अच्छा शिक्षा व्यवस्था मिले। बोडो कम्युनिटी ये नहीं, सरकार से ये नहीं चाहता है कि हमें सब चीज मुफ्त में मिले। हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी एजुकेशन व्यवस्था, अच्छी मेडिकल सिस्टम, अच्छी सड़क, अच्छी बिजली, घर घर में बिजली मिले, घर घर में पानी मिले, ऐसा व्यवस्था हमारे जो बोडो कम्युनिटी चाहते हैं। और जो पूरे बीटीसी इलाका में है वो नॉट ओनली बोडो कम्युनिटी है, वहाँ पर अदर कम्युनिटी भी है, उसके साथ बिना भेदभाव के ताकि हम शांति से रह सके, ऐसा हमारी आशा है। और बीटीसी वैसे हमेशा चाहता है कि हम एक शांति प्रिय एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की तरफ हम आगे बढ़े। वो सरकार तो बहुत बोला है नौकरी देगा, मकान पक्का मकान देगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को तनख्वाह देगा, सभी गरीब लोगों को रेशन देगा, बिजली मुफ्त करेगा, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ आश्वासन दिया है वो लोग, लेकिन क्या होगा देखता है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपको बोडो ट्राइबल होते हुए एज अ ट्राइबल जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाते हो या अपने ही स्टेट में, क्या कभी आपके रंग रूप और पहनावे के बेस पे या खान पान के बेस पे आपके साथ कभी कोई भेदभाव हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है। मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब मैं एक बार दिल्ली गया था उधर हुआ है कि जब मैंने बोला मैं आसाम से हूँ तो बोलते है कि आसाम के लोग जंगली है, वहाँ के लोग उग्रवादी है, बहुत उग्रवादी है। तब मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, हम भी भारतीय है, हम भी भारत की रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हमें जैसा हमारा लुक बोडो लोग थोड़ा मैंने चाइनीज जैसा दिखता है, कोई कोई बोलता है आप लोग चाइनीज से उत्पादन करते हुए वो लोग हो, हम ऐसा नहीं है, हम भी भारत के वासी है, हम भी भारतवासी है, हम भारत को प्यार करते हैं, हम भी भाईचारा में रहने की कोशिश करते हैं, हम एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, और पूरे देशवासी से हमारे यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी प्यार करें। तो दोस्तों, समय का अभाव है, काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ बोडोलैंड में आकर के। जितनी भी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है ना कि बोडोलैंड इतना खतरनाक है, वहां जाओगे तो वापस नहीं आओगे, वहां के लोग बहुत खूंखार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग हमसे भी ज्यादा अच्छे हैं और बहुत अच्छे। अगर आप आओगे तो देखोगे बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के, पर समय का अभाव है जिस वजह से और ज्यादा मैं आप लोगों को यहाँ के लोगों के साथ मिला नहीं पा रहा हूँ। फिर कभी हम यहाँ पर आएंगे। और दूसरी बात, यहाँ करके मुझे एक चीज जानने का मौका मिला है कि जिस विधि से बाथो प्रथा में पूजा होती है उसमें इसी मूर्तियों की पूजा नहीं करती, पौधे की पूजा करती है जो पांच तत्वों को दर्शाता है, धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि। यही तो हमारी प्राचीन संस्कृति बताती है कि इसी से पृथ्वी बना है, इसी से ये संसार बना है। आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।